नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किचन क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। और आज आपको बताऊंगी कि बिस्किट और कुकीज में ज़्यादा हेल्दी कौन है, कुकीज हेल्दी है या बिस्किट हेल्दी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों में अंतर जानना होगा। आप इन दोनों के डिफरेंस अगर आपको मालूम होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में हेल्दी क्या चीज है, बिस्किट है या कुकीज है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कुकीज शब्द आया कहाँ से है। वैसे कुकी एक अमेरिकन शब्द है जो अमेरिका से आया है, जिसका अर्थ होता है कि छोटा सा केक। हालांकि ये नट्स, ओट्स, चॉकलेट चिप्स ये और किशमिश से बना होता है, और इसमें इसे सीखने के लिए ज्यादा समय लगता है बजाय कि बिस्किट के मुकाबले। बिस्किट में थोड़ा समय कम लगता है और कुकीज थोड़े ज्यादा वजनी होते हैं, यानी कि ज्यादा थोड़े हेवी होते हैं। और बिस्किट शब्द कहाँ से आया? बिस्किट एक अंग्रेजी शब्द है। जैसे कि कुकीज अमेरिकन शब्द है, उसी प्रकार से बिस्किट एक अंग्रेजी नाम है जो कि फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है बिस मतलब कि दो, और किट का मतलब होता है पकाना या पकाया हुआ, अर्थात कि दो बार पकाया हुआ, इसे हम बिस्किट कहते हैं क्योंकि बिस्किट को दो बार बेक करना होता है, इसलिए ऐसा इसका नाम बना है। ऐसा देखा जाए कि बिस्किट के बनावट मक्खन, आटे और शक्कर से और नमक से बनाया जाता है, और इसमें कुकीज के मुकाबले इसका आकार थोड़ा पतला होता है बिस्किट का, क्योंकि कुकीज थोड़ा हेवी होते हैं और बिस्किट थोड़ा लाइट होते हैं, यानी कि लाइट वजनी होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा पतले होते हैं और इन दो बार पकाया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है, कुकीज बनाने में नरम आटा और ज्यादा शक्कर की जरूरत होती है, जबकि बिस्किट में मोटे आटे और कम शक्कर से बनाए जाते हैं। तो अब आप थोड़ा थोड़ा जान पा रहे होंगे कि कौन सा चीज ज्यादा हेल्दी होती है, बिस्किट या कुकीज। चौथा पॉइंट आता है, कुकीज में सजावट पर खास ध्यान दिया जाता है, जबकि बिस्किट में इसकी सजावट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत में कुकी कि सजावट के तरीके में ग्लेजिंग, फ्रॉस्टिंग, रॉयल आइसिंग या ड्राई टॉपिंग प्रचलित है, खास तौर पे भारत में। और बाहर तो आप जानते ही होंगे कि क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है। तो देखा जाए तो बिस्किट थोड़े से लाइट होते हैं और थोड़े से हेल्दी कह सकते हैं, क्योंकि आखिर दोनों बनते तो मैदे से हैं, और कुकीज में खास तौर पे मैदा यूज किया जाता है, और बिस्किट में देखा जाए तो आटे से भी बनाए जाते हैं और मैदे से भी बनाए जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिस्किट खाना कंज्यूम करते हैं। एक खास बात और बता दूं कि बिस्किट और कुकीज में अंतर यही सबसे बड़ी बात का होता है कि बिस्किट आटे से बनते हैं और कुकीज 100% मैदे से बनते हैं, और कुकीज में ज्यादा बटर का यूज किया जाता है जिसके कारण वो ज्यादा हेवी हो जाते हैं, जो इजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जिनको और जो खास तौर पे कुकीज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उन्हें थोड़ा कुकीज कम कर देना चाहिए और बिस्किट थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। देखा जाए तो बिस्किट भी ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़े वो भी हेवी होते हैं, क्योंकि उसमें भी बटर का यूज तो किया जाता है उसे खस्ता बनाने के लिए। इसलिए आप थोड़ा अगर इनकी मात्रा खाने में ज्यादा कर देंगे तो नुकसान देंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज की अति की जाती है तो वो नुकसान ही देती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितने मात्रा में इसे कंज्यूम करते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इन्हें दिन में दो बार या फिर ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए अनहेल्दी साबित हो सकते हैं। तो आप इन दोनों के अंतर और इन दोनों की जानकारी जान के आपको कैसा लगा, तो आपका फीडबैक जरूर कमेंट्स में बताइए। और आपको और इस प्रकार से कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, तो मैं उसके बारे में आपको डिफाइन करके बताऊंगी कि कौन सी चीज ज्यादा हेल्दी होती है, कौन सा आपको कंज्यूम करना चाहिए। जब अगर आपके नॉलेज आपको ठीक लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो, ये नॉलेज आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।